हेलो फ्रेंड्स, मैं जिग्नेश फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ सूरत के सबसे बिगेस्ट जो पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है surat.xyz में। और मैं आज आप लोगों को मिलाना चाहूंगा ऐसे सेलिब्रिटी से जिन्होंने काफी सालों से इंडस्ट्री में काम किया और काफी टैलेंटेड सेलिब्रिटी है। लेकिन थोड़ा सस्पेंस बरकरार है क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। हमारे स्टूडियो में जब आए तो लगता था कि भाई क्या होने वाला है यहाँ पे, लेकिन जब भी आए ना तो यहाँ की रौनक बढ़ गई और काफी अच्छे लग रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं surat.xyz की तरफ से आप सभी लोगों का यहाँ पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप लोग यहाँ पे आए सर जी, सबसे पहले तो बात यह होती है कि कोई भी सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं तो उसको बनाना होता है और उसके लिए उन्होंने होते हैं सबसे पहले प्रोड्यूसर। और हमारे बीच में जो हरविंद सिंह जी हैं, इन्होंने बेड़ा उठाया और इन्होंने एक सब्जेक्ट को लॉन्च करना चाहे और साथ ही साथ में इनके जो सन है इतना हैंडसम लग रहे, स्मार्ट लग रहे, काफी कूल लग रहे, तो इनको लॉन्च किया है। और इनका सबसे बड़ा बात तो यही है कि भाई इतने बड़े सेलिब्रिटी, सीनियर आर्टिस्ट और सेलिब्रिटी के साथ में काम करने को मिल रहा है, तो सभी टीम जो है काफी जबरदस्त यहाँ पे है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि टीम आई क्यों है यहाँ पे। आई इसलिए दोस्तों क्योंकि क्रीना करके मूवी आ रही है और काफी अच्छा सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के साथ में ये लोग कुछ नया करने जा रहे हैं और जो समाज है, सोसाइटी है, उसको कुछ नया दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा हरविंद सिंह जी के, जब पहली बार आपके पास ये सब्जेक्ट आया तो आपको क्या फील हुआ था कि क्या करना है, किस तरीके से करना है, क्योंकि आपने प्रोड्यूसर आप हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चल रहा होगा बैकग्राउंड में, क्या सोच रहे थे? मेरे पास ये सब्जेक्ट आया, सबसे पहले तो मुझे बहुत सुंदर लगा ये सुनने में और बहुत आनंद आया क्योंकि हम इसके अंदर क्रीना को एक कृष्ण के रूप में अवतारित दिखा रहे हैं। तो बहुत सुंदर कहानी लगी और सुन करके मैंने फर्स्ट बार में ही डन कर दिया कि मुझे जरूर बनानी है। जो है इनको कृष्णा के रूप में देखना चाहते थे, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बट ऑडिशन लेने के बाद में बहुत सारे बच्चों को हमने बुलाया, उसमें जो क्रीना के रोल में जो फिट दिख रहा था वो सबसे बेस्ट पार्ट था 100%। और सर आपके आई थिंक जहां हम देख पा रहे हैं तो पार्थ सिंह भी लग रहे एकदम कूल और हैंडसम, जैसे कृष्णा जैसे ही लग रहे हैं। तो पार्थ सिंह जी, जब आप इस मूवी के लिए आपको कास्टिंग किया गया सर ने, जैसे कि काफी बच्चे आए थे, काफी बॉयज आए थे ऑडिशन के लिए, उसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ, जब सिलेक्शन हुआ कि खुद के पापा प्रोड्यूसर है और सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि आप पे पहली नजर नहीं थी इनके, लेकिन फिर आपको क्या फील हुआ कि भाई हाँ मैं मूवी कर रहा हूँ? आई फील वेरी बिकॉज इट वाज मेन लीड इन माय फिल्म, आई डोंट थॉट आई एम गोना हैव एनी मेन लीड, सो देन आफ्टरवर्ड्स आई टॉक टू माय आई एम रियल आई डिडंट लाइक टेक इट seriously, like I am the main lead. He told me like it's really nice, the scene suits to you, but I didn't take it seriously. Afterwards he said that I am serious, you need to do things and I worked really hard to, I need to weight my loss. सर जैसे तो वेट लॉस की बात की तो इससे पहले क्या था, मतलब कुछ ज्यादा था या फिर कम था? इसके पहले बहुत ज्यादा था, इसके पहले 15 kg मेरा ज्यादा था, तो सोच लीजिए कितना मोटा हूँ। ओके ग्रेट, एंड कांग्रेचुलेशन मैं इसके लिए नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि मूवी आ रही है, मूवी के लिए तो हम सब बोलने ही वाले हैं और वो मूवी हिट तो होने ही वाली है, लेकिन कांग्रेचुलेशन इसके लिए क्योंकि आपने आपका वेट लॉस किया और काफी मुश्किल होता है सर अपने आप को मेंटेन रखना। जब आपने आपके सन को देखा कि हाँ एज अ हीरो भी परफॉर्मेंस करने वाले, लीड करने वाले, तो कैसा फील हो रहा था, मतलब क्या करना है, किस तरीके से करना है? बहुत सुंदर फील हो रहा था क्योंकि हर पिता की एक ही इच्छा होती है कि मेरा बेटा आगे जा करके अपना नाम कमाए, और पार्थ ने इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करी है, तो जिस तरीके से फर्स्ट बार एक नया कोई भी कैमरा फेस करता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल भरा सफर होता है, पार्थ ने उसको बहुत तरीके से अच्छे से निभाया है। थैंक यू, ऐसे आप निभाते रहो, आगे बढ़ते रहो। लेकिन मैं सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपको ये करना चाहूंगा, जब भी एज अ लीड हम जा रहे हैं कहीं पे एक्टिंग कर रहे हैं, आर्टिस्ट को सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो होता है सीनियर एक्टर्स है, उनके साथ में अगर कोई सीनियर एक्टर्स है तो उनको काफी बेनिफिट होता है इन चीजों का। तो आपके साथ में तो ऐसे महारथी है कि जिन्होंने इंडस्ट्री में मतलब अपना एक मुकाम बनाया, एक हासिल किया और अपना अलग से नाम बनाया, और मैं बचपन से फ्रेंड भी रहा हूं शाहबाज सर का और मैम का, मैम का तो अभी भी मैं फ्रेंड हूं। लेकिन हाँ मैं ये पूछना चाहता कि किस तरीके से फील हो रहा था जब सीनियर आर्टिस्टों के साथ में हमें काम करना है और कुछ सीखने को मिलना है, तो कौन सी ऐसी 3 चीजें जो आपको फटाफट सीखने को मिली? बहुत नर्वस था कि बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं तो मैं कैसे करूंगा, अच्छे से नहीं कर पाया तो क्या पता हो सकता है मेरे को डांट दे, बट फिर फर्स्ट डे गया, सुदेश बैरी जी के साथ था मेरा सीन, मेरे को रोना था उधर बैठ के,
बट फिर उन्होंने मेरी हेल्प करी बहुत ज्यादा कि नहीं एक्सप्रेशंस कैसे देने हैं और कैसे करना है, तो अच्छा था बहुत एक्सपीरियंस। थैंक यू। शाबाश सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा और सिंपल सी चीजें ये होती है कि जब भी आप किसी आर्टिस्ट के साथ में काम कर रहे हैं, तो पांच सिंह जी के साथ में जब आप काम कर रहे थे, तो कभी ऐसा आपको लगा कि हाँ बच्चा कर तो अच्छा रहा है लेकिन इसको और ज्यादा इम्प्रूव करना चाहिए, तो कौन सी एक चीज? सबसे पहली बात यह है कि 13 साल की उम्र में 15 केजी वेट लूज करना, इसको बहुत बड़ा डेडिकेशन मानता हूं। हम लोगों से नहीं होता है यार, मतलब 10-5 केजी लूज करने के लिए हम लोग, लेकिन इसने इतनी छोटी सी उम्र में इतनी मेहनत, वहां पे इतनी गर्मी होती थी, 45 डिग्री की गर्मी में शूटिंग हम लोगों ने की, लेकिन उसको पिक्चर में नंगे पांव चलना है कृष्णा अवतार के रूप में, और वहाँ छोटे छोटे पत्थर जो पैरों में चुभते थे, लेकिन उसने बस खुशी खुशी सब कुछ किया। और मुझे याद है जब मैं पहली बार कैमरा मैंने फेस किया था, तो मुझे तो चलना तक नहीं आता था। मैं कैमरा जब एक्शन डायरेक्टर ने बोला अकबर खान ने, तो मेरे पैर थर 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 कांप रहे थे, मैं चल भी नहीं पाया था। उसने शॉर्ट ही इजी लगाया था कि भाई वहां से यहां तक तुमको चलना, चल के आना है, वो भी नहीं हो पा रहा था। और जबकि मैं तो इस 13 साल का नहीं था, बड़ा ही था। लेकिन सर, तो ये मैं कह रहा हूँ कि इसका डेडिकेशन बहुत अच्छा है, और इस रोल में इसने बहुत मैंने एक्शन किया हुआ है, हार्नेस बांध के ऊपर लटकना, ये सब करना, ये कोई आसान काम नहीं होता है। मतलब बड़े बड़े एक्टर्स मना कर देते हैं कि भाई हम नहीं करेंगे, लेकिन इसने सब कुछ काम बड़ी लगन से और बड़ी हिम्मत के साथ किया, और वो बहुत अप्रिशिएटिव चीज है। और मतलब मैं यही बोलूंगा कि गॉड ब्लेस हिम, और मैं चाहता हूं कि ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। ये चौहान साहब ने भी बड़ी मेहनत से पिक्चर बनाई है, तो प्रोड्यूसर जब पिक्चर बनाता है तो उसका बच्चा है प्रोड्यूसर का वो पिक्चर, तो वो चाहता है कि अपने बच्चे को और मतलब फले फूले। तो मैं हम लोग इसी सिलसिले में यहाँ आए गुजरात वालों से, गुजरात वासियों से रिक्वेस्ट करने के लिए कि इस पिक्चर को देखें और कामयाब बना। 100% सर, और मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ जितने ऑडियंस है हमारे, जितने फ्रेंड्स हैं, उनको रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि आप जरूर देखना। लेकिन सर, एक कोई भी सब्जेक्ट होता है उसको हमें टीवी पे दिखाना होता है, टेलीविजन पे दिखाना होता है और लोगों के सामने पेश करना होता है, तो ये जो क्रीना है, तो एक क्रीना क्या है और किस कुछ टाइप का सब्जेक्ट है और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इससे? देखिए, क्रीना कृष्णा का अवतार है और ये कहानी महाभारत पे ही आधारित है, और ज्यादातर कहानियां हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी फिल्में बनती हैं, जितनी भी फिल्में आज तक बनी हैं, चाहे सोशल हो चाहे ये हो वो, सारी फिल्में कहीं ना कहीं महाभारत से ही इंस्पायर्ड होती हैं। महाभारत और रामायण हमारे दो ऐसे स्तंभ हैं कि उससे सारा हमारा कल्चर सभी कुछ इंस्पायर्ड है। तो ये भी उसी का एक अंश है महाभारत का, जिसमें क्रीना जो है वो कृष्णा का अवतार है, और वो किस तरह सच्चाई की झूठ पे से जीत होती है, और ये सबसे बड़ा मैसेज है कि हालांकि आजकल तो उल्टा हो रहा है, झूठ ही जीत रहा है साला, लेकिन वहां हम लोग फिल्म में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सच्चाई झूठ पे, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी जाके झूठ पे सच्चाई की जीत होती है, होनी चाहिए और होती रहेगी। सर, आपने जैसे कहा कि झूठ पे सच्चाई की जीत हमेशा होती है लेकिन थोड़ी देर लगती है, और वो होने वाले डेफिनेटली। सर, मैं पूछना चाहूंगा कि आपका कैरेक्टर क्या है इसमें? मैं इसमें एक मतलब कबीले का सरदार हूँ जो कि बहुत पावरफुल है और बहुत राजा टाइप का है, कंस जैसा है, और उसको पता चल जाता है कि उसकी जो मृत्यु है वो इस बच्चे के हाथों होने वाली है। सर, अभी आप डर क्यों रहे हो? नहीं, डरा नहीं रहा हूँ यार मैं। उस बच्चे के हाथों होने वाली है, तो वो बच्चा जो है उसको किसी तरह से वो बच्चे को खत्म करना है, और बस ये मेरा कैरेक्टर। मतलब सर, जहाँ के कभी कभी क्या होता है जालिम? नहीं सर, ये टाइटल मत लो आप, क्योंकि मैं बचपन से आपका फ्रेंड हूँ, तो अगर आप ऐसा जालिम बोलोगे तो बचपन क्या है यार, कौन सा है? उस वक्त मैं भी बच्चा ही था। नहीं सर, ये टेक्निक ये है कि हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनको अपने से थोड़ा बड़ा कर दो और अपने बच्चे बन जाओ।
सर अभी ऐसे भी आप काफी फिट लग रहे हो और आपको वेट लूज करने की कोई जरूरत नहीं सर, ऐसे आप स्मार्ट हो, जब से मैं देखते आ रहा हूँ बचपन से तब से लेके अब तक आप जैसे थे वैसे ही लग रहे हो सर। अभी तुम बूढ़े हो जाओगे लेकिन मैं ऐसे ही रहूंगा। ये कट होगा तो अच्छा। नेक्स्ट मैं मिलाना चाहूंगा कि हर कोई मूवी जब बनती है उसमें जितना कैरेक्टर विलन का होता है विलन्स भी होते हैं उसमें, और उतना ही कैरेक्टर एक होता है मॉम होती है सिस्टर होती है, मतलब वो जो कैरेक्टर होता है उसके लिए खूबसूरत सी फीमेल की जरूरत होती है। और इस दीपिक हाँ सर थोड़ा सा दीपशिका मैम से खूबसूरत अगर इनमें आपने कैरेक्टर किया है मूवी में तो मूवी तो चलने वाली क्योंकि आपके फ्रेंड्स तो डेफिनेटली देखने वाले आपको ही देखने आएंगे और साथ ही साथ में आप जो इस तरीके से डराते हो तो वो तो देखना ही बनता है, लेकिन मैं सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछूंगा कि आपका कैरेक्टर क्या हुआ। थैंक यू सो मच, मेरे फैंस हमेशा मुझे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जो फिल्म आ रही है कृष्णा उसके लिए भी सपोर्ट करें। शाबाश जी ने बता दिया कि कृष्णा मीन्स कृष्णा, ये कृष्णा का सब्जेक्ट है और हमारा हीरो है जो 13 साल का है पार्थ, उसकी पहली फिल्म है, तो जो कंस को पता चलता है कि बच्चा उसका ये बच्चा बड़ा होकर उसे मारने वाला है, तो आई एम प्लेइंग देवकी और इंद्र कुमार जो हमारे साथ अब नहीं रहे ही इज प्लेइंग माई हस्बैंड, तो ये हमारा बच्चा होता है और जब मैं प्रेग्नेंट होती हूँ तो हमसे बच्चा छीन लिया जाता है और हमें कारावास में डाल दिया जाता है, फिर कैसे कृष्णा बड़ा होकर कैसे सबका बदला लेता है और कैसे अपने माँ बाप को छुड़ाता है, तो इट्स अ वेरी इमोशनल थिंग एंड पूरी पिक्चर में बहुत रोई हूँ मैं। एंड ये कबीले का बैकग्राउंड है तो सारे आदिवासी ड्रेस है, कपड़े एकदम ग्लैमरस है, तो पिक्चर ऐसी नहीं है कि कोई गांव वाली है, पिक्चर बहुत अच्छी है, ग्लैमरस है एंड बहुत मजा आया हमें शूटिंग करके। लोग मुझे पॉजिटिव रोल में देखेंगे आई थिंक बहुत टाइम के बाद एंड मैं इसमें मैं डरा नहीं रही हूँ, खुद डरी हुई हूँ, सो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। और ऑब्वियसली हमारे प्रोड्यूसर की ये पहली फिल्म है, पार्थ की पहली फिल्म है, तो सब ने बहुत सपोर्ट किया है एंड ही इज अ वेरी गुड प्रोड्यूसर और हम ये आए सपोर्ट करने के लिए ताकि जैसे दूसरी पिक्चरें चले वैसे हमारी फिल्म भी चले और मेरे फैंस ये पिक्चर जरूर जाके देखे। आपके पिक्चर देखने से क्या होता है, हमारे प्रोड्यूसर की और हमारी टीम की जितनी मेहनत है वो वसूल हो जाती है, हिट फ्लॉप हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप एक बार फिल्म जरूर देखिएगा। आपने एक ही बार बोला मैम, अगर आपने बोला 10 बार देखे तो हम 10 बार जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, एक बार नहीं 10 बार पिक्चर देखना 100% देखेंगे। लेकिन 5 साल में आपसे एक ही सवाल पूछना चाहूंगा, कैसा फील हो रहा है आपको जब इतनी खूबसूरत मॉम आपके साथ है? वैसे कि ज्यादा सीन्स तो नहीं है मेरे मूवी में मॉम के साथ, मतलब जो मूवी में है, बट एक दो सीन्स हैं जिसमें वो बहुत इमोशनल सीन हो गया, फिर लिटरली अच्छा ही लग रहा होगा ना। मैम आपने ऐसा भेड़ा तो नहीं कि सबको रुला? मैं रो रही थी फिल्म में, कोई नहीं रो रहा था। मूवी इतनी इमोशनल है कि मैं फीमेल का तो जरूर कहूंगा कि जितने भी फीमेल देखने जाएंगे उसमें 95% कम से कम आधा घंटा रोएंगे। सर ये सबसे बेस्ट किया आपने, पता है क्योंकि फीमेल ऐसे कम रोते हैं सबके सामने, शायद थिएटर में जा रो एक बार और हमें काफी अच्छा लगेगा रोते हुए देखना, क्योंकि इसके अंदर इतनी करुण रस को हमने डाला है कि दो ही चीजें होती हैं फ्लॉप और उसको सक्सेस करने के लिए, कि या तो इमोशनल हो या उसमें कुछ हंसी मजाक हो, तो हमारी मूवी के अंदर इमोशनल इतना है कि कोई भी जो थिएटर में जाने वाला है मैं ये कहूंगा कि कम से कम 10 मिनट रोके आएगा उसमें। सर की तरफ से मैं एक अनाउंस करना चाहता हूँ कि वहां पे टिश्यू पेपर रखे हो गए, जब भी आप जाके तो टिश्यू पेपर का यूज जरूर करें अंदर जाते वक्त। लेकिन सर मैं एक छोटा सा सवाल वापस, सभी सवाल मेरे से छोटे ही होते हैं, ये था कि जब आपने देखा कि जब कंस के रूप में मतलब शाबाश सर को आपने जब कास्टिंग किया, उनका कास्टिंग हुआ, जब आप इनको पहली बार मिले हो गए तब आपने इमेजिन किया था वो भी सही है मतलब ये रोल के लिए? बिल्कुल डेफिनेटली, जब हम कास्टिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं हमारे कैरेक्टर के लिए, कौन आर्टिस्ट बेहतर रहेगा, तो सर का एक इतिहास रहा है, इतने अच्छे अच्छे उन्होंने रोल किए हैं जैसे कुमार वीरेंद्र जी हैं या टीपू सुल्तान हैं, तो मैं काफी पहले से ही
एक सर का मुनीद रहा हूँ, उसमें ये कहूँगा कि जो जो सर ने भूमिकाएं निभाई हैं बहुत अच्छे से निभाई हैं। तो मेरी खुद की सोच थी कि इसमें जो सर का कैरेक्टर है वो सहवास सर करें। सही है सर, मतलब सर आपने सोचा, आपके बारे में सभी लोग वही सोचते हैं जो मैं सोच रहा हूँ, इन्होंने भी वही सोचा कि ये कैरेक्टर परफेक्ट आप पे ही सूट करता है। और आपने जिस तरीके से पहले से आप डराते आए, ऐसा मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन आपने खुश किए हैं आपके एक्टिंग से, और आपके जो किरदार होते थे इतने दमदार किरदार है तो दिमाग में अब तक है। लेकिन इसमें क्रीणा में आपका कोई फेवरेट डायलॉग? डायलॉग तो मुझे अभी फिलहाल याद नहीं है। कुछ तो है सर, कुछ तो वो मैडम ही बताएंगे आप। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई वो डायलॉग्स मुझे ऐसे याद नहीं है, लेकिन टोटली मतलब कुछ इसमें क्या है, क्योंकि जंगली आदिवासी पिक्चर है तो हम लोगों ने अपने अपनी लैंग्वेज बनाई है ना इसमें, पिक्चर में अपनी लैंग्वेज, आदिवासियों की लैंग्वेज होती है अलग होती है ना, जैसे जो आदिवासी जंगल में रहने वाले लोग हैं उनकी लैंग्वेज अलग होती है, वो थोड़ी इंग्लिश हिंदी हो या कुछ बोलते हैं। तो क्या था वो, क्या रुको, गुजराती मित्रों तमने एम कहवा मांगू छू के अपना गुजराती बोलवाला सुपर मैम अहियाँ छे जेमने तमे बधा पसंद करो छो, तो इनके पास सुनते एक अच्छा सा डायलॉग। ચલો હું ગુજરાતીમાં કહું છું. એકચ્યુઅલી આદિવાસી બેકગ્રાઉન્ડ હતો તો એવું કોઈ સબ્જેક્ટ, એવું કોઈ ડાયલોગ અમને કેવું હતું કે જે અમને બી નથી ખબર પડતી કે એનો મતલબ શું છે. તો ડાયરેક્ટર કઈ બી થાય તો એક વ્યર્ડ ડાયલોગ કાઢશે એન્ડ વી કુડન્ટ પ્રોનાઉન્સ દેટ થિંગ. તો ઉસમે એક થા કભી મિલેગા તો હલવો જાલો, तो हमको समझ में हम बोल क्या रहे. एवरी टाइम इट बिकम अ जोक ऑन द सेट कि हम जब एक दूसरे को देखते थे तो हम शुरू करते थे हलबो जालो. सो जब भी शाहबाज जी को जब डायलॉग बोलने बोलते हैं मैं हमेशा उनको टीज करती हूँ, ये आपका फेवरेट डायलॉग है ये आप बताइए. सो वी आर लॉट ऑफ डुपान अटैक बोलते ना, अटैक या अपना क्या बोलते हैं उसको, आक्रमण. तो हम लोगों का जंगल में ऐसा था कि हलबो जालो. सर ये जो आपने किया ना अभी, ये थोड़ा और आप अग्रेसिव होके करो तो फिर हमें ही पता चलेगा हाय, और हाय पहली बार सुनेगी इतना प्यार से होता है, हल बचा लो. चलो ठीक है, ऐसे ही कुछ चीजें आपको डेफिनेटली मूवी में देखने को मिलेगा. और क्रीणा करके जो मूवी है ना, इन्होंने जो सब्जेक्ट लिया है तो हमें ये पता चलेगा जिस तरीके से उसका स्टोरी बनाया गया है, तो महाभारत फिर से अगेन होने वाला है लेकिन थोड़ा नए लुक में, डिफरेंट तरीके से. और हमें फिर से ये लोग याद दिलाएंगे कि हाँ यार सच्चाई तो सच्चाई होती है, झूठ पे हमेशा सच्चाई की जीत होती है, ये सारी चीजें. सर कुछ स्पेशल चीजें जब शूटिंग के वक्त होती थी? जी पार्थ का एक सीन था नंगे पैर कंकड़ों से और झाड़ियों के बीच से निकलने का, तो पार्थ ने कभी ये नंगे पैर चलने वाला काम किया नहीं था. तो जैसे ही कैमरामैन ने कैमरा लगा के सीन देने के लिए बोला तो पार्थ ने मना कर दिया और कहा कि पहले आप नंगे पैर भागिए उसके बाद में मैं भागता हूँ. फिर उसके बाद में डायरेक्टर ने कहा, डायरेक्टर को भी वही पार्थ ने जवाब दिया कि अंकल पहले आप भागिए, आप सीन दो उसके बाद में मैं दूंगा. बट मैं देखता रहा आधे घंटे, ये तीनों के बीच में वो चर्चाएं चलती रही, मुझे लगा कि ये देगा नहीं, कोई नंगे पैर भागने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि झाड़ियां थी और कंकरीली जमीन थी, उसमें चोट लगना डेफिनेटली क्लियर था. तो मैंने पूछा जाके मैं क्या है, तो बताया सभी ने कि पार्थ का सीन है नंगे पैर भागने का और ये सीन ही नहीं दे रहा है. तो मैंने भाई पार्थ भागी है, पार्थ ने मुझ पे भी वही सवाल दागा कि डैडी पहले आप भागो नंगे पैर, ये नंगे पैर भगा रहे झाड़ियों में. तो मैंने ठीक है भाई, फिर मैं नंगे पैर भागा, फिर उसके बाद में पार्थ ने सीन दिया. सर पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि प्रोड्यूसर को ऐसे भगाया? हाँ हाँ सही बात है, ये है पिता को भगाया, बाकी प्रोड्यूसर नहीं भागने वाले. और इसका जो रिजल्ट है ना वो क्रीणा जब मतलब देखेंगे लोग तो उनको डेफिनेटली पता चलेगा कि ये एक एक सीन के पीछे कितनी ज्यादा मेहनत हुई है और कितना स्ट्रगल हुआ है और कितनी तकलीफ होती है जब हम शूट कर रहे होते हैं. और प्लीज दोस्तों मैं आप सभी को यही बोलना चाहूंगा कि आप थिएटर में जाना जरूर, एक क्रीणा मूवी देखो, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट वही होता है कि थिएटर तक लोग आए और वो उनकी मूवी को देखे और उनके काम को पहचाने और उनके काम का तारीफ करें. सर लेकिन ऐसा कुछ हटके हुआ होगा सेट पे? सब हटके ही है वहाँ पे, वो उधर सब वो पिक्चर देखोगे तो सब हटके ही हुआ है वहाँ, सब कुछ ऐसा यूजुअल नहीं. ये भी हुआ सेट पे हटके ही थी.
इतनी गर्मी होती थी सेट पे जहाँ हम लोग शूट करते थे, एंड ऑब्वियसली आदिवासी तो हम सबको नंगे पैर चलना होता था, मतलब 45 डिग्री टेम्परेचर, एंड शाबाज जी पूरा लेदर के कपड़े पहन के बैठे थे, तो हमें उसको देख के भी हंसी आ रही थी, और हम ऐसे खड़े नहीं रह पा रहे थे, पैर ऐसे चलते थे, और हमारे डायरेक्टर को हम बोलते थे कि पैर नहीं दिख रहे, चप्पल पहनने दो, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट था, नहीं आप चप्पल नहीं पहनोगे, तो इतना गुस्सा भी आता था, बट अभी हंसी आ रही है, बट उस टाइम पे तो बहुत ही गर्मी थी, एंड ऑल फन यू नो लाइक इट्स जब शूटिंग कर रहे, इट्स लाइक जैसे प्रेगनेंसी होती है, जब बच्चा आ जाता है तो सब हम दुख दर्द भूल जाते हैं, सो अब हम हंसते हैं सारी बातों को लेके, बट यस वी हैड लॉट ऑफ फन एंड लॉट ऑफ टॉर्चर ऑल्सो. सर आप क्या मैसेज देना चाहोगे जब हमारे ऑडियंस थिएटर तक जाए, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज मैं यही देना चाहूंगा कि फिल्म देखें और ये ना देखें कि फिल्म छोटी है बड़ी है. आज इत्तेफाक से हमारे देश में हर तरह की फिल्म बनती है, अगर मतलब बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं, सलमान और आमिर और अजय की फिल्म भी बनती है, और अलग टॉपिकल फिल्में भी बनती हैं, और कुछ छोटी फिल्में भी बनती हैं, जिनको हर हमारा देश इतना विशाल है कि 125 करोड़ में हर तरह की फिल्म को ऑडियंस मिल सकता है, अगर तो सिर्फ ये जनता जनार्दन के हाथ में है कि, और इनसे ही इसीलिए हम लोग आए रिक्वेस्ट करने के लिए कि जनता जनार्दन आपकी क्या कहते हैं साथ की और आपके आशीर्वाद की जरूरत है. थैंक यू सर. हम हमेशा साथ और सरकार देते रहे क्योंकि मोदी जी ने हमें यही सिखाया है, सोनो साथ सोनो विकास, तो वो सारी चीजें होने ही वाले हैं. लेकिन प्लीज होने जा रहे पांच सर, मैंने पहले भी आप जिनका जिनका विकास नाम है इतना फेमस हो गए, मतलब सभी लोग पहचानने लगे कि हाँ ये विकास करके बंदा है. टॉपिक चेंज पांच सर, जैसे कि इन्होंने आपके बारे में कहा कि आपने इतना स्ट्रगल किया, जैसे आपको जाना था आपको सीन देना था और आपने सही में वो सीन दिया अच्छे तरीके से पूरे डेडिकेशन के साथ में, लेकिन जब आपको कुछ सीखने को मिलता है, शाबाज सर से आपको क्या सीखने को मिला? शूट के टाइम में मतलब मैं देखता था कि क्या शूट हो रहे हैं, मैं वहीं पे रहता था, मतलब जो जहाँ पे शूट होता था उसके साइड में होटल था, हम वहीं पे रुकते थे, तो जब उनका सीन चालू होते थे मैं वहाँ बैठ के देखता था कैसे सीन दे रहे हैं, क्या एक्सप्रेशन दे थे, मतलब लिटरली वैसे एंग्री वाले थे सारे सीन. तो अभी कोई एक ऐसा सीन आपके ध्यान में होगा जो आप यहाँ पे करके दिखाओगे सर का कुछ? वाला छोड़ के क्या था? क्यों नहीं सर, तो पता चलेगा ना, मतलब आप डरा रहे उनको? ओके ठीक है, तो दो फटाफट. एक सीन था कि बच्चा वापस नहीं दे सकते थे, तो पहले तो बोल दिया कि हाँ ठीक है बच्चा मिलेगा, फिर बाद में जब चांस आया कि आप बच्चा लौटा दो, तो फिर उधर एक कैरेक्टर है मनबग्गा नाम से खड़ा था, तो फिर बोला तो उसने बच्चे मांगे सब लोग आके वहाँ पे, इधर मत दे दो बच्चा, तो बहुत गुस्सा मिला, तुम्हारा बच्चा नहीं मिलेगा, इन्हें हटाओ यहाँ से, यहाँ नहीं खड़े होने चाहिए, तुरंत हटाइए इन्हें. ये वाला तो सच्ची सच्ची बोल एक बार सही में अच्छा आपने, क्योंकि इतना ध्यान से देखा है तभी जाके सर इनको याद है. और मैम अगेन हूँ तुम्हारी पास आऊ छू एटले अहींथी ज खाली माइक करू छू, पण तमने जारे आप मतलब जब शूट चल रहा होता है, जब शूटिंग चल रही होती है, तब जाके ऐसे सीन्स होते हैं जैसे कि पांच साथ में हुआ, तो आपके साथ में ऐसा कोई जो लम्हा याद रह गया आपको? पूरी पिक्चर मुझे याद है अच्छी तरह से. सबसे पहले तो आज मैं सही में कहूँ, जब भी हम प्रमोशन करने निकलते हैं क्रीना की, हम इंदर को बहुत मिस करते हैं, क्योंकि इंदर की बहुत इच्छा थी कि हम प्रमोशन पे जाएंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अनफॉर्चुनेटली इज नॉट देयर, सो वो मुझे बहुत याद आता है बिकॉज मेरे सबसे ज्यादा सीन इंदर के साथ थे, तो दैट इज वन थिंग. एंड होल द फुल फिल्म मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था. यस मेरे सारे कलीग सबको मैं जानती हूँ, दोस्ती सब दोस्त हैं, तो वो एक मजा आता था, बट टू मच ऑफ मैं धूप नहीं भूल सकती, आई कांट टेक दैट थिंग 45 डिग्री का थिंग, सो टू मच ऑफ टॉर्चर बट टू मच ऑफ फन.
अभी बात यह है कि इन्होंने जितनी तकलीफें उठाई है, जितनी मेहनत की है, पूरे धूप में इन्होंने अपनी मेहनत लगाई, जान और दिल लगा के सारी चीजों पर काम किया है और इतने अच्छे सब्जेक्ट पे मूवी बने हैं, तो प्लीज मैं सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग थिएटर तक जाएं और क्रीना मूवी जरूर देखें। सिर्फ इसके लिए नहीं कि भाई क्या होगा, किस तरीके से होगा, छोटी मूवी जैसे सर ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक आर्टिस्ट को देखने हम लोग जाते हैं और इस बार भी आप सभी लोग एक आर्टिस्ट को देखने जाओ, इनकी मेहनत को देखने जाओ, जरूर क्रीना को आप पसंद करोगे। सर लास्ट में आपके पास मैं आता हूँ, तो आप दो शब्द क्या कहना चाहोगे हमें, क्योंकि आपकी मतलब एक फाइनेंस लगा होता है, काफी बड़ा बजट लगा होता है किसी भी चीज बनाने के लिए, और उससे ज्यादा दुख ये होता है कि सर ने जैसे कहा कि ऑडियंस पसंद नहीं करते हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले तो मूवी छोटी नहीं है, ये बिग मूवी है। जिस तरीका से बाहुबली आपके बीच में आई है, मैं मेरी उम्मीद है कि हमारी मूवी उससे कम नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें एक हम तुलना करते हैं कि बजट कितना खर्च हुआ है, उसके आधार पर अगर हम मूवी को छोटा बड़ा करें तो मेरे हिसाब से वो गलत है। बिल्कुल सही है, क्योंकि मूवी में आर्टिस्टों का काम दिखाता है और स्टोरी दिखाती है कि मूवी किस लेवल की बनी है। तो मेरी सभी से ये गुजारिश है कि हम एक सेकंड बाहुबली के रूप में और नए डिफरेंट जोनर की मूवी लेके आए हैं, जिसमें श्री कृष्णा का अवतार आपको नए तरीके से दिखेगा और बहुत इसको ऑडियंस पसंद करेगी, ये मेरी उम्मीद है। थैंक यू। मैं सबको ये रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे आई कम फ्रॉम द फिल्मी बैकग्राउंड, मेरे नाना जी साइलेंट फिल्म से थे, वो हमेशा ये कहते थे कोई फिल्म छोटी बड़ी नहीं होती, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, ये ऑडियंस के ऊपर होता है कि उसे कितना बड़ा बनाए। तो कोई भी फिल्म, चाहे वो कितने भी बड़े स्टार की हो या छोटे स्टार की हो या न्यू कमर की हो, वो छोटी बड़ी नहीं होती, ये आप डिसाइड करोगे। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसे बड़ा बना दो, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सक्सेस होगा। थैंक यू। लास्ट में आप सभी लोगों से मैं एक कहना चाहूंगा, वो जो था ना अपना सिग्नेचर, हाँ, लेकिन सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा सूरत डॉट एक्स वाई जेड, ऐसे ही कुछ मूवीज की बात है और ऐसे कुछ अच्छे अच्छे बातें आप तक पहुंचाता रहेगा हमेशा, क्योंकि सूरत बिगेस्ट ऑनलाइन पोर्टल है, और जरूर देखते रहना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमेशा हम लोगों को फॉलो करते रहो। लेकिन देखते ही क्रीना के लास्ट टीम में जो है इनका एक सिग्नेचर स्टेप, मतलब स्टेप नहीं बोलते, साइन है, सिग्नेचर साइन है, मतलब ये आक्रमण, नहीं नहीं सॉरी मेरी गलती, अब तक मैं समझ रहा था कि हाँ ऐसा मतलब कैसे हो ऐसा, तो सर आक्रमण फिर मेरे भी होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे ऐसा लगा कि एग्रेसिवनेस है, नो मैन, दो शब्द, एक सहवाज सर का हलवो जारो था और हमारे सुदेश बैरी जी हैं उनका लेकुना था, लेकुना, तो दोनों ही डिफरेंट, वही आक्रमण है, जैसे एक जय श्री राम, एक जय माता दी बोल रहे, दोनों दोनों का सिंबल और दोनों के नारे अलग अलग थे। सर प्यार के लिए कुछ नहीं था, प्यार के लिए आक्रम, हाँ आप बता दो ना प्यार के लिए, क्योंकि आप किसी ने प्यार से नाम नहीं लिया, कौन है क्रीना, कहाँ है क्रीना, था मैंने ऐसे बोला, बस एक सॉन्ग है उसमें, हाँ क्रीना क्रीना, उसमें थोड़ा अच्छे से दिया है, नहीं मैंने बहुत प्यार से नाम लिया क्रीना। बहुत मजा आया पिक्चर की शूटिंग करने के लिए, जैसा कि हम लोग आपके सामने आए हैं और हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, आपका प्यार और आपका साथ हमेशा मिला है, तो इस बार भी हम लोग आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग इस फिल्म को भी देखें और कामयाब बनाएं। 1 2 3 हलवो जालो, और ऐसे हलवो जालो के साथ में पूरा क्राउड थिएटर में जाए, हमेशा हलवो जालो करो, आक्रमण करो थिएटर्स में, और क्रीना को देखने हम जरूर जाएंगे सर, और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन एंड गुड लक आपकी मूवीज के लिए, खूब खूब सक्सेस करें और अपना एक मुकाम हासिल करें। थैंक यू सर, आप यहाँ पे आए इसके लिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, एंड मैं जिग्नेश विदाई लेना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच सर।